ट्रेन टिकट बुक करते समय इन शब्दों का क्या मतलब होता है और इनमें क्या अंतर होता है, देखिए इस वीडियो में। जैसे कि ECC, EC, UB, MB, LB, SU, SL, कूप और कैबिन। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको CC चेयर कार दिखा रही हूँ। ये शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि टिकट बुक करते समय CC का ऑप्शन कहाँ पे आता है। अब मैं आपको EC एग्जीक्यूटिव चेयर कार दिखा रही हूँ। ये शताब्दी एक्सप्रेस का EC है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको CC दिखाया था, जिसमें एक तरफ 3 चेयर थे और दूसरी तरफ 2 चेयर था, और EC में दोनों तरफ 2-2 चेयर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शताब्दी एक्सप्रेस में टिकट बुक करते समय CC और EC का दोनों का ऑप्शन आ रहा है। EC का टिकट CC के तुलना में लगभग 2 गुना होता है और सीटें ज्यादा आरामदेह होती है। और ये मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट बुक करते समय CC और EC का ऑप्शन दिखा रही हूँ। CC सस्ता होता है और EC महंगा होता है। और ये मैं आपको EC क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट दिखा रही हूँ। इसके सीट बहुत स्पेसियस होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और हेडरेस्ट भी होता है, और इसी वजह से इसका प्राइस CC क्लास से 2 गुना होता है। अब आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ क्या होता है और टिकट बुक करते समय ये कैसे बुक होता है। आप देख रहे होंगे टिकट बुक करते समय ये सारे प्रेफरेंस आता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपर बर्थ कैसा होता है। यहाँ पे आप 3 बर्थ देख रहे होंगे, जो सबसे ऊपर है वो अपर बर्थ है। अगर आप टिकट बुक करते समय अपर बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली सीट मिलेगी, और ये जो बीच वाली सीट दिख रही है इसे मिडिल बर्थ कहते हैं। अगर आप मिडिल बर्थ का ऑप्शन डालोगे तो आपको बीच वाली सीट मिलेगा, और जो सबसे नीचे सीट दिख रही है इसे लोअर बर्थ कहते हैं। लोअर बर्थ वैसे तो सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व रहता है, लेकिन आप टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ का ऑप्शन डालोगे तो आपको लोअर बर्थ भी मिल सकता है। अब मैं आपको साइड अपर और साइड लोअर बर्थ दिखाती हूँ। इसमें जो ऊपर आपको सीट दिख रही है ये साइड अपर बर्थ है, और नीचे वाली सीट साइड लोअर बर्थ है। टिकट बुक करते समय आप साइड अपर और साइड लोअर का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अब मैं आपको लास्ट में केबिन और कूप का ऑप्शन दिखा रही हूँ। ये ऑप्शन फर्स्ट AC टिकट बुक करते समय आता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे केबिन और कूप का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट AC में जब आप टिकट बुक करेंगे और कूप का ऑप्शन डालेंगे तो आपको 2 बर्थ का ऐसा कमरा मिल जाएगा, और इस 2 बर्थ वाले कमरे को कूप बोलते हैं। और इसमें एक सीट नीचे होता है और एक सीट ऊपर होता है। इसमें डस्टबिन भी होता है, फोल्डिंग टेबल भी होता है, और गेट को आप अंदर से भी लॉक कर सकते हैं। कूप कैसे बुक करते हैं मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, मैं ऊपर एक लिंक दे रही हूँ, उसमें क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये कूप बिल्कुल प्राइवेट रूम की तरफ सेफ होता है। ये नीचे आपको फोल्डिंग टेबल दिख रहा होगा, और ये देखो कूप में अंदर से गेट लॉक हो जाता है। अंदर से दरवाजा आप लॉक भी कर सकते हो।
अब आइए मैं आपको केबिन ऑप्शन दिखाती हूँ। केबिन चार बर्थ वाला छोटा सा कमरा होता है। और ये रहा केबिन, इसमें एक तरफ दो बर्थ होते हैं और दूसरी तरफ भी दो बर्थ होते हैं। और इसमें भी आप दरवाजा अंदर से लॉक कर सकते हो। अगर आप चार पैसेंजर एक साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये केबिन आप बुक करा सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल रश्मि ट्रैवल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।